थँक्यू. तुकार मुलांची गोष्ट आहे बेसिकली. जेव्हा तुकारपणा करायचा असतो भरपूर करावा, जेवढा पाहिजे तेवढा करावा, पण त्याला मर्यादा असायला पाहिजेत आपल्या आपल्या. त्या मर्यादा ओलांडल्या ना की त्याचा एक किस्सा होतो आणि ते लोक चवीला वापरतात. तो किस्सा आहे हा, ॲक्च्युली तो प्रत्येक गावात प्रत्येक घरात असतो. जे बाहेरचे लोक ना आपला नाही आहे म्हणून वापरू पाहतात, पण तो आपल्या घरात आल्यानंतर काय होतं त्याची गोष्ट येणार. विचार करण्याचं वय असतं, त्या वयाच्या पोरांची गोष्ट आहे आणि तो यंगराडपणा कसा बाहेर येतो आणि त्याच्या वाटा किती आहेत आणि आपण कुठे थांबलं पाहिजे, कुठे काय केलं पाहिजे याचा अनुभव हा आहे. मराठीत बोलत ह्याच्यामध्ये या पिक्चरमध्ये पहा, हा सिनेमा मित्रांचा आहे, चार मित्र आहे त्यांच्याबद्दल सिनेमा आहे. एक इन्सिडेंट होतो त्याच्यावरती आपले चार रिॲक्शन्स असतात. कोणचं आयदर वी रन अवे का आयदर वी फेस इट, असे चार रिॲक्शन्स असतात. तर ते चार मित्र आहे ना, ते चार रिॲक्शन्स आहे त्याच्या पिक्चरमध्ये. तर मित्रांची गोष्ट आहे आणि मी मित्रांबरोबरच काम केलं आहे. सो खरं सांगतो, विठ्ठल माझ्या किती झाले ते 12-13 वर्ष, 12 वर्षापासून मित्र आहे खूप. आम्ही मकरंद पण 3 वर्षापासून मित्र आहे चांगला. तर मित्रांसाठी सिनेमा आहे, मित्रांबरोबर केलेला सिनेमा आहे. तर एंटरटेनिंग आहे खूप. आणि एक माझी भूमिका म्हणजे तो गाईड आहे, फिलॉसॉफर आहे थोडासा, कारण सिनेमा माझा नाही आहे, त्या मुलांचा सिनेमा आहे. सो मी एक मित्र म्हणून काम केलं आहे सिनेमा आणि एक खूप सुंदर सिनेमा झाला. तर लुकिंग फॉरवर्ड मॅ नाही यार, बेगर्स आर नॉट चूजर्स. मी कधीच मला कोणी पिक्चर द्या म्हणजे मी ह्याच्यामध्ये अक्षरशः सांगतोय, या पिक्चरमध्ये माझं ऑडिशन झालं आहे. कारण मकरंद असा एक सिनेमा प्लॅन केला होता, त्यामुळे सर मला तुमचं काम बघायचं आहे, जर तुम्ही चांगलं काम केलं मग पण पुढचा सिनेमा करू. तर आता ऑडिशन झालं आहे तर रिझल्ट तुला काही डाऊट पुढच्या सिनेमात. छोटंही आहे यार, हां कॅमिओ आहे, मतलब कॅमिओ मध्ये इट्स अ स्पेशल अपिरियन्स. इज नॉट कॅमिओ कम्स इन वन सीन बट ही इज देअर, बट इट्स अ स्पेशल अपिरियन्स बिकॉज द फिल्म इज नॉट अबाउट मी. हा सिनेमा या मुलांबरोबरचा आहे, त्यांच्या त्या वयामध्ये काय काय घडतं त्यांच्याबरोबर त्याच्याबद्दल आहे, तुम्ही काय चुका करतात त्याच्याबद्दल आहे आणि त्याला कसं कसं करेक्ट करायचं त्याच्याबद्दल सिनेमा आहे. हम सब उस लाइफ से निकले हुए हैं, हम सब ने गलती की है. मैं भी एक बार लॉकअप में गया हूँ, ऐसा नहीं है. मतलब मैंने भी मारपीट की है पहले, बट वो एक एज होती है जहाँ करनी चाहिए सब चीज़ें, बट वो एक क्या ना एक लाइन होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपको अपनी लाइफ में. वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए आपको, जो करना है उस लाइन के अंदर के करिए. सब गलतियाँ करते हैं, आपने भी की होगी, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मकरंद तो बहुत गलतियाँ की हैं. तभी लिखता है ऐसा है कुछ ना कुछ, पता है क्या करना क्या होता है. तो ऐसी गलतियाँ सब करते हैं, बट इस सिनेमा से आप यही सीख सकते हैं कि वो गलती हमको नहीं करनी है, हमारे बच्चों को नहीं करने देनी. बहुत मारता है सेट पे यार. न्यू कमरचं टेंशन नाही आहे कधी. जर गोष्ट आहे, गोष्टीत कॅरेक्टर आहेत आणि कॅरेक्टरला नाही देणारे, पहिल्यांदा एक आकृती येते आपल्या समोर की एक साचा येतो की साधारणपणे असं आपल्याला हवं आहे त्या कॅरेक्टरमध्ये. ते नवीन आहेत, जुने आहेत याचा इश्यू नाही येत त्याच्यामध्ये. तिथल्या मातीतली पोरं पाहिजे होती मला, तिथला अनुभव घेतलेलं, तिथला घाट पाहिलेलं, तिथलं मार्केट यार्ड पाहिलेलं, तिथलं आजूबाजूचे लोक पाहिलेले. तिथं या पिक्चरमध्ये ज्या गोष्टीतले कॅरेक्टर्स आहेत तसे कॅरेक्टरचे रेफरन्सेस कधी आलेले, त्यामुळे नवीन घेतलेले, ठरवून घेतलेले नाही आहेत. ते चेहरे शोधत होतं, ते नवीन निघाले एवढंच आहे त्याच्यामध्ये. पण खूप ये जो नाम मे यंगराड, मतलब यंग लोगों का राड़ा, बहुत सी मस्ती देखने मिलने वाली है. और जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप ज़्यादा दिख रही है इसमें. फ्रेंडशिप के ऊपर ज़्यादा करके फोकस किया गया यहाँ पे. और उसमें जो हम फ्रेंडशिप में दोस्त थे, लेकिन इतने दोस्त थे कि पक्के की एक दूसरे के ऊपर जान लेते. लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि आप कितने भी अच्छे दोस्त हो लेकिन अपना डिसीजन अपने को खुद लेना चाहिए. आज तक एक तो आज तक फ्रेंडशिप पे मराठी में, हिंदी में, बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत मूवीज आई है. तो इसमें अलग है कि फ्रेंडशिप तो है उसमें, वो सबका बॉन्डिंग अच्छा है, सब अच्छा है. पर उसमें अलग है कि रियल में जैसा होता है फ्रेंडशिप में, रियल में जैसा होता है यहाँ, तो वो इसमें ज़्यादा दिखाया गया है. इसलिए सब रिलेट कर रहे हैं कि अरे हाँ, ये ऐसा ही है, इसलिए यंगराड ऐसा है, इसलिए वो यंगराड ज़्यादा पसंद आएगा सब लोग. मैं तो यंगराड में वीके का कैरेक्टर कर रहा हूँ.
तो वीके का कैरेक्टर एक मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाला वीके, मतलब कौन कैसा है कौन कैसा है, पर सब सूझबूझ कर क्या करना है आगे क्या करना है वो डिसाइड करके सबको बता कर आगे चलने वाला वीके है। और थोड़ा घर से दूर रहने वाला पर अपने दोस्तों के मौज में और अपने ही धुन में रहने वाला वीके है। बहुत ही अच्छा था कि उन्होंने हम मतलब पहली बार था तो हमें कुछ एंगल पता नहीं थे, कैमरा एंगल्स वगैरह लाइट्स कहाँ से लेने आते वहाँ से, वो ये सब उन्होंने एकदम बारीकी से सिखाया हम लोग को। पहले वर्कशॉप हुआ हम लोग का, फिर उसके बाद हम लोग शूट के लिए गए, तो बहुत ही अच्छा था। हमको कुछ मालूम नहीं था, पहली बार कर रहे थे तो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन डर लग रहा था पहली बार कर रहे तो कैसा होगा कैसा होगा। सो जो टीम है वो भी बहुत अच्छी मिली, इसलिए बहुत सा ईजी हो गया। मेरा कैरेक्टर का नाम पापा है, तो बेसिकली पापा का जो लाइफस्टाइल है उसको चार दोस्तों के सिवा मतलब उसको उसके चार दोस्तों के सिवा उसको माँ बाप भी ज़्यादा नज़दीक नहीं है। और फनी कैरेक्टर है क्योंकि चार जन में मैं अकेला ही हूँ जो फुला भरा हूँ, तो सब लोग मेरे से मस्ती करते रहते हैं और बस यही चल रहा है, जो मेरे रियल लाइफ में हो रहा है वैसे ही यहाँ पर भी है। तो शरद सर के साथ जब सीन लगा था वो तभी तो मैं शशांक सर के साथ था तभी वैसा ही नर्वस था, और शरद सर के तो बहुत नर्वस था कि मालूम है सबको कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे स्टार है तो नर्वस था, तो जब उनके साथ सीन लगा तो उन्होंने इतना इज में डाल दिया मुझे, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं शरद सर के काम कर रहा हूँ, सर वो कैरेक्टर ही है और बहुत मतलब बहुत ईजी से बहुत ईजीली उन्होंने मुझे लिया और कंफर्ट जोन में रखा था मुझे बहुत, और मैं बहुत हंसते खेलते वो शूट किया, बहुत मतलब कभी भी कुछ ऐसे नर्वसनेस नहीं था उनके साथ काम करते हुए, और बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छा वो एक्सपीरियंस था सर के काम। हिंदी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने पहली बार फिल्म की है तो लोगों को हम पसंद आने चाहिए, हमारी एक्टिंग अच्छी लगनी चाहिए, तो एक्साइटमेंट भी है नर्वसनेस भी है अभी थोड़ा सा। मेरे कैरेक्टर का नाम ज्योति है जो कि विक्या की बहन है, वो विक्या के लिए कैसे सैक्रिफाइसेस करती है, उसको कैसे सुधारने के लिए ट्राई करती है, वो वहाँ पे दिया हुआ है मूवी में आप देखेंगे। मेरा नाम शिरीन है और मैं फिल्म में तेजू का रोल कर रही हूँ जो हीरो की गर्लफ्रेंड है, या जो आप बोलते हैं कि उसकी मतलब हीरोइन जो बोलते हैं आप वैसा है। और मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है कि हम प्यार भी करते हैं पर उसमें सैक्रिफाइसेस भी है, बहुत कष्ट भी है, बहुत मतलब बहुत कुछ है जो आप देखेंगे फिल्म में। मेरा नाम मोनिका चौधरी है और मैं चकुली का रोल प्ले कर रही हूँ जो तेजू की बेस्ट फ्रेंड है, और जो उन दोस्तों के साथ भी कैसे उनका जो रिलेशन है वो सब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। यंगराड ये फिल्म है कि चार दोस्तों की कहानी है इसमें, जो एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, और सुख हो दुख हो चारों हमेशा साथ में रहते हैं, प्यार का मामला हो तो हमेशा साथ रहते हैं, और एक अलग कहानी है इसमें, प्यार है माँ बाप का प्यार है सब है। हाँ, और मतलब हर किसी के लाइफ में ये चार दोस्त होते हैं, आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में भी कोई विक्या होगा कोई बाप्पा होगा, मतलब लोग रिलेट कर पाएंगे इजीली कि ये मतलब साथ मतलब सिंपल लोग हैं जो है उनकी लाइफ पर रिलेटेड है। हम उस एज में होते तो वैसे कैरेक्टर हमारे आसपास होते, जैसे कि मैंने मेरा कैरेक्टर किया तो मेरे स्कूल लाइफ में मैंने ऐसे लड़कियां देखी थी उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया है, तो हम सब की लाइफ में ऐसे आते हैं सब सिचुएशन। बहुत ज़्यादा सीखने को मिला एक्चुअली जब हम लोग बड़े बड़े कैरेक्टरों के साथ, जैसे सविता मैम है शशांक सर है, जब हम लोग कर रहे थे तो एक नर्वसनेस था डर था, पर वो इतने फ्रेंडली है कि उन्होंने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने उनके बच्चों जैसा हमें सिखाया, प्यार से सिखाया, बताया कि क्या सही है क्या गलत है कैसे करना है, तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और अच्छा फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया, तो
ईजी गया उसकी वजह से। मकरन सर ने और विठल सर ने हमें न्यू कमर्स होके भी चांस दिया, यही पहली तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद शशांक सर, सविता मैम, शरद केलकर सर, उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला जो कि हमारी पहली फिल्म में जो नहीं आता है वो उन्होंने सिखाया, कैसे कैमरा को फेस करे वो पहली बार था, वो सब कुछ सीखने के लिए मिला। सब कैमरा देखा नहीं था कभी पहले, ये फर्स्ट टाइम था, तो कैसे कैमरा को फेस करना है ये भी सर ने सिखाया, और बहुत उन्होंने काम कैसे करना है वो पहले स्टेप से उन्होंने सिखाया। जैसे मैंने बोला एक्साइटमेंट में नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है, बस अच्छा आप देखो पसंद करो और बस सपोर्ट करते रहना। फैंटम को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि हमें न्यू कमर्स को चांस दिया, और वही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो लेट्स सी। मकरन सर ने हमें माइंड में क्या चल रहा है? नहीं अभी तो यही कि फिल्म बहुत अच्छी हुई है, तो ज़रूर देखना सब लोगों ने, बहुत अच्छी फिल्म हुई है। थैंक यू सो मच।